सो हेलो, क्या हाल चाल है? क्या तुमने भी अपने माँ बाप के पैसे पढ़ाई पर लगाए हैं? तो चूतिया हो तुम, स्टार्टअप के नाम पे ठेला खोलो, फैशन उसी में है। खैर आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में। डिग्री ली तो, लेकिन अब चाय का ठेला लगा के बैठे, क्या करें? मोती जी ने कहा है, फरमान नहीं टाल सकते ना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और सुबह आपको मैं खिलाने लेकर आऊँ मैगी और चाय। एक तो ये व्लॉगर वालों का अपनापन नहीं जा रहा है। नहीं, भावनाएं अच्छी पर शब्द मेलन नहीं। खिलाने लेके आए क्या हो? कैसे खाएंगे हम? छड़ी घुमाए या लोड़ा? स्क्रीन में तो हाथ नहीं जाएगा ना। ये बोलो जलाने लेके आए हैं? इतना ज्यादा भाई, नए नए लोग नए नए स्टार्टअप कर रहे हैं और ऐसे लोगों के भाई जज्बे को ना सल्यूट है। सही बात है यार, मेरा भी सलाम है। ये चाय वाला मेरा सलाम वापस करो, तो मुझे नहीं करना। जज्बे को सलाम था, बकचोदी को नहीं। आजकल लोगों ने किसी भी चीज का स्टार्टअप बना रखा है, बट खास करके चाय। स्टार्टअप शब्द की भी औकात नहीं छोड़ी। पहले आइडिया और इनोवेशन रिप्रेजेंट करता था, बट अब किसी बीबीए चाय वाले की टपरी पे टेबल साफ कर रहा है। रात में हटा लो, सुबह लगा लेते भाई। और इधर भाई इन लोगों ना इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते। देसी कुल्लर चाय इज द न्यू ट्रेंड। तो मेरे घर के पास भी देता है, साथ में 10 रुपए का उबला अंडा भी मिलता है। अंडे को अच्छे से उबाल के उस पे धनिया पुदीने की हरी चटनी लगा के प्याज के छोटे छोटे टुकड़े डाल के उसके ऊपर काला नमक, मुंह में लेते ही स्वाद घुल जाता है। ओहो, पर इस बात पे सर पे थोड़ी चढ़ा दूंगा, मुकुट थोड़ी पहना दूंगा, पैर धोके कुल्ला थोड़ी कर लूंगा। इतना खुश होने की क्या जरूरत है? बेच तो चाय ही रहा है। प्राइस बता दो। मैगी का प्राइस, मसाला मैगी हमारी 30 रुपीज की है, जो वेजी वाली है वो 50 रुपीज की। ये कौन सी आयुर्वेदिक घुट्टी से मिलके बनी मैगी है जिसके रेट 350 छू रहे हैं? एक इंसान की गांड आखिर कितनी शानी हो सकती है कि उसे अपनी मैगी को उबाल के मसाला डालने के लिए 30 रुपए देने? ऐसी गांड सिर्फ नवाबों के यहाँ होती है। कि मतलब लोग सोचते ही रह जाते हैं कि कुछ करना है कुछ करना है, लेकिन भाई इन लोगों ने करके दिखाया। तो क्योंकि हमें सच में कुछ करना है। गल्ले पे तो हमारे अब्बा भी बिठा रहे हैं, पर हमें इज्जत प्यारी है। मैं नहीं चाहता कोई खूबसूरत सी लड़की आए और भैया दो कप लगाना भूल जाए। पर एक इंसान के नाम पे आखिर ऐसा क्या आता है जो स्टार्टअप के नाम पे एक रेडी लगा के खड़ा हो जाता है? देख रहे, आप मेरे से एक चेन बनेगा, मैं अगर 2-3 लोगों को रोजगार दूंगी एंड फिर जाके मैं अगर 100 लोगों को फ्रेंचाइजी दूंगी तो 1000 लोगों को रोजगार दूंगी। आप चेन बनते हुए देख सकते हैं। नहीं नहीं सही बात है, चेन बनते हुए देख सकते। इसी बात पे कल मेरे मोहल्ले में 2 बच्चों की लड़ाई हो गई कि बड़े होके ग्रेजुएट चाय वाली की फ्रेंचाइजी कौन लेगा। खैर आओ इस फ्रेंचाइजी का थोड़ा मैथ्स लगाते हैं। एक ऐसी दुकान जिसने सिर्फ 3 लोगों को नौकरी दी है वो 100 लोगों को फ्रेंचाइजी देगी और फिर वो 100 लोग 1000 को रोजगार देंगे। अब पिक कहाँ पढ़ लिखी हो तुम? जब दोबारा पढ़ के आओ। इतने लोग रेस्टोरेंट में ना बैठते जितने तुमने अपनी टपरी पे सजाने के सोच रखी है। चाय बेचना क्या आपका शौक है या फिर बेरोजगारी का कारण है? आत्मनिर्भर बनना था। अच्छा, ये बताइए आपका चाय में खास क्या है? मेरे चाय में तो सर अभी जो डिफरेंट फ्लेवर्स के टी थे, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। दूसरे स्टेट से आता है उसका चाय पत्ती, थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 दिन। वाह, क्या आत्मनिर्भर बने तुम जब चाय पत्ती पे ही निर्भर हो। 2023 आखिर कितना मनहूस साल है, यूथ के नाम पे क्या कचरा मिला है हमें। बचपन में बनने वाले डॉक्टर इंजीनियर बड़े होके चाय वाले बन रहे, और नाम क्या देंगे? आइडिया। काय का आइडिया? आइडिया इनोवेशन बेस्ड होता है। तुमने बस अपने धंधे पे ग्रेजुएशन का थप्पा मार दिया है, और वो क्यों ये हम सब जानते हैं। सच में यार दुनिया बहुत पलट चुकी है, अब तो मन करता है इंटर स्कूल पास आउट नाम का सर्कस खोल के नाभि पे लटकू चाना शुरू कर दूं। जिंदगी में मुझे कुछ करना था, सोचा बीटेक करते करते साथ में अपना छोटा सा बिजनेस से शुरुआत क्यों ना करूं। और मैं बिहार के बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं, और कभी भी किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत हमेशा जीरो से होता है, तभी वो 100 लेवल पे जाता है। मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैं ये काम कर रही हूं, मैं यहां पे चाय बेच रही। वीडियो पे 12 मिलियन व्यूज है। कौन सी दिलिश्मी गुफा में रहते हैं घर वाले, जब तक यही नहीं पता कि हमारी रानी गुड़िया शिक्षा का अजीब इस्तेमाल कर रही है। कैसे बनाते हैं चाय का क्वालिटी के साथ साथ आपको इसमें जो मसाले हैं वो बहुत ही, एक तो पता नहीं क्यों पर हर नकली स्टार्टअप वाले को लगता है कि उसके पास जो मसाले हैं वो इंद्रलोक से इंद्रधनुष पे चलने वाले एक यूनिकॉर्न पे बैठकर आए। मुंह में तो लो फ्लेवर, क्या मुंह ही घुल जाएगा। नहीं अब तो मैं भी एक टी स्टॉल लगाऊंगा, सिंपलिसिटी टी स्टॉल। एकदम सिंपल चाय देंगे, एकदम फीकी, शक्कर भी नहीं डालेंगे, सादे दूध में चाय पत्ती घोल के दे देंगे। फिर चलो आज के लिए इतना ही चिल्लाते हैं, हो सकता है तुम्हें तुम्हारा फेवरेट चाय वाला ना मिला हो। क्या करें अभी, गरीब इंसान है यार, औकात नहीं। पर जिस दिन औकात बनेगी उस दिन उन्हें भी लपेटेंगे। चलो बाय।